मोए मोए। तो भाई अगर तुम लोग भी लड़कियों को पटाना चाहते हो और भाई अगर उनकी वीकनेस तुम नहीं जानते हो, लड़कियों की ऐसे कुछ वीकनेस अगर तुमको नहीं पता है तो भाई लड़कियों को तुम कभी नहीं पटा पाओगे। इसलिए भाई तुमसे लड़कियां पटती नहीं है क्योंकि भाई तुमको उनकी वीकनेस का पता ही नहीं है, उनकी वीकनेस का अंदाज़ा ही नहीं है कि भाई क्या क्या वीकनेस हो सकती है, तुम ऐसा क्या क्या कर सकते हो, ऐसा क्या क्या वीकनेस अगर उनके अंदर नहीं है तो तुम कैसे बना सकते हो उनके अंदर वो वीकनेस। तो अगर उनके अंदर वो वीकनेस नहीं है तो भाई तुम्हारा भाई इस वीडियो में ऐसे 11 पॉइंट्स बताने वाला है कि भाई अगर उनके अंदर कोई भी वीकनेस नहीं रहेगा, अगर वो तुमसे पटना नहीं चाहेंगे, अगर तुम उनको पटा नहीं पा रहे हो तो भाई एक काम करो, ये जो वीडियो है ना, अगर भाई वीडियो लास्ट तक देखते हो तो भाई तुम्हारा भाई ऐसे 11 वीकनेस बताने वाला है लड़कियों की, अगर उसमें नहीं रहता है तो तुम बना लोगे, तुम वीकनेस को बना दोगे उस लड़की के अंदर और भाई उसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी उसको पटा सकते हो। बिना कुछ भी मेहनत किए, बिना कुछ भी, बस तुमको क्या करना है, तुमको ये वीडियो देखना है लास्ट तक। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला वीकनेस है लड़कियों का कि भाई तुम केयर फ्री रहो, भाई लड़की जो कर रही है उसको करने दो, तुमको उसके घंटा नहीं फर्क होना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारी लड़कियां होती है ना कि भाई अगर तुम उनको अच्छे लगते हो या भाई कुछ भी ऐसा होता है ना तो वो तुमको जलाने के लिए या भाई ऐसा कुछ भी करने के लिए वो भाई दूसरे लड़कों की बात करती है, या भाई ऐसा कभी कभी होता है कि वो लड़कों की बात नहीं करती है। अगर भाई वो लड़की तुमको पटाना चाह रही है, अगर भाई वो तुम्हारा फ्रेंड रहे या भाई कोई भी ऐसा क्लासमेट रूममेट या भाई कोई भी ऐसा रहे, तो भाई वो लड़की जिसको भी तुम पटाना चाह रहे हो या जो भी लड़की तुमको मतलब पटाना चाह रही है, तुमको पसंद करती है, तो भाई वो तुमको जलाने की पूरी कोशिश करेगी उससे, चाहे भाई वो लिमिट कुछ भी हो, पर भाई वो तुमको जलाने के लिए वो कुछ भी करेगी वहाँ पे। तो भाई तुमको ये काम करना है कि भाई वहाँ पे तुमको भाव ही नहीं देना है, वहाँ पे तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई लड़की को भी लगेगा कि अगर ये सब हम कर रहे हैं, अगर उसको इस सब चीज़ से घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो मेरे को दूसरा चीज़ करना पड़ेगा ना। और भाई जो ये फर्स्ट वीकनेस तुम्हारा भाई बताया ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बहुत सारी लड़कियां ना लड़कों को इम्प्रेस करने की या अपने पीछे भगाने के चक्कर में उनको ऐसा जेलसी फील कराती है। तो भाई तुमको कभी भी जेलसी फील करना ही नहीं है, अगर भाई तुम जेलसी फील किए तो भाई तुम चूतिए हो, बात खत्म। और भाई जो दूसरा वीकनेस है कि भाई अगर लड़की कुछ भी कहती है ना तो भाई ना कहने से कभी मत डरना, कि भाई अगर वो कुछ भी कहती है ना तो तुरंत मना कर दो, क्योंकि भाई लड़कियों का जो वीकनेस होता है, जो ईगो होता है ना, वो भाई ना कहने में बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई लड़कियां सोचती है कि ये मेरे से पढ़ चुका है, ये मेरा कुत्ता बन चुका है, ये मेरा ये बन चुका है, लौड़ा बन चुका है, लहसुन बन चुका है, तो भाई तुमको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, तुमको भाई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भाई अगर लड़की का तू सारा बात मानेगा ना तो भाई लड़की तुमको भाव नहीं देगी, तुमको कुत्ता बना के भाई तुमसे सारा काम करवाएगी। और भाई यहीं पे बहुत सारे लड़के भाई हार मान जाते हैं, तो भाई तुमको ना बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर एक बार तुम ना बोलना सीख गए ना तो भाई लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। तो भाई तुम पहला ये चीज़ सीखो। तो भाई अगर लड़की अगर वो तुमसे प्यार करती है तो भाई अगर तुमको हमेशा उसको साथ में रखना है ना तो भाई तुमको ना बोलना तो सीखना पड़ेगा। अगर तुम ना बोलना नहीं सीखे तो भाई वो अपनी मनमर्जी करती रहेगी और भाई तुमको हर जगह हर फेस पे भाई तुमको नीचा वो दिखाएगी। तो भाई ना बोलना सीख जाओ। तो भाई ये जो तीसरा वीकनेस है भाई लड़कियों का बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीकनेस है, क्योंकि भाई बिना पैसे के भाई लड़की पटती नहीं है, सबको पता है। तो भाई लड़की जिसको भी भाई पटाना चाहती है ना, जिसके साथ वो रहना चाहती है, वो भाई ऐसा खोजती है पार्टनर कि भाई वो इंडिपेंडेंट रहे, भाई वो किसी पे निर्भर ही ना रहे, भाई वो फुल इंडिपेंडेंट अगर भाई कोई भी बंदा रहता है तो भाई लड़की तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार रहेगी। अगर भाई तुम्हारे पास ना ही जॉब है, ना ही कोई बिजनेस है, ना ही भाई तुम पैसा अच्छा अर्न कर रहे हो, ना ही भाई कुछ भी ऐसा कर रहे हो कि भाई लगे तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है, ऐसा गूदा है तुम्हारे अंदर कि भाई तुम कुछ भी हैंडल कर सकते हो, तो भाई अगर तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो भाई लड़की क्या कुत्ता नहीं पूछेगा भाई तुमको। तो भाई तुमको सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना है, और भाई एक बार अगर इंडिपेंडेंट बन गए तो भाई लड़की तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घूमेंगी भाई, ऐसे भेड़ बकरी की तरह घूमेंगी। तो भाई तुमको यही करना है कि भाई पहले इंडिपेंडेंट बन जाओ, फिर कुछ आगे का सोचो, तो भाई तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगी। और भाई जो चौथा वीकनेस है लड़कियों का, उसको भाई तुम अलग भी कह सकते हो, सिमिलर भी कह सकते हो, क्योंकि भाई लड़कियां अगर भाई तुम अच्छा ड्रेसअप होके जाओगे, अच्छा दिखोगे, अच्छा भाई हेयर स्टाइल करके जाओगे, मस्त अगर दिखोगे, तो भाई लड़कियों का सबसे बड़ा और भाई सबसे पॉपुलर
वीकनेस वही होता है, क्योंकि भाई जो पहला, अगर भाई तुम किसी को भी पटाने जा रहे हो ना, लड़कियां पहले क्या देखेगी, वो भाई कहते नहीं है कि लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो भाई अगर लड़कियों के सामने भाई जब भी तुम जाओ, जब भी तुम बाहर निकलो ना भाई, तो भाई एक गेटअप लेके जाओ, एक अच्छा लुक लेके जाओ कि भाई लड़कियों को भी लगे पटाएंगे तो इसी को पटाएंगे। ये वाला भाई माइंडसेट अगर लेके तुम चलते हो ना, तो भाई सारी लड़कियां, एक की हम बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, एक की हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे भाई सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे जाएंगी, तुम्हारे पीछे आएंगी और भाई तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करेंगी। तो भाई लड़कियों का ऐसा होता है कि भाई वो सब दिखाने में ज़्यादा मतलब फोर्स करती है किसी भी चीज़ को। तो भाई अगर उसका बॉयफ्रेंड, उसका हस्बैंड या भाई अगर तुम जो भी हो, तो भाई लड़कियों को दिखाने के लिए अच्छा चाहिए होता है। तो भाई अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छा है, गेटअप अच्छा है, लुक अच्छा है, तो भाई लड़की तुम्हारे से ही पटेगी और भाई तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करेगी। ये है भाई दुनिया का सबसे बड़ा वीकनेस, लड़कियों का सबसे बड़ा वीकनेस, जो भाई तुम लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो। और भाई जो ये पांचवा वीकनेस है ना, कि भाई लड़कियों के सामने हमेशा प्रोटेक्टिव रहो, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करो भाई किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। लाइक अगर भाई तुम रोड क्रॉस करते हो ना, तो भाई उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करो। अगर भाई मतलब कहीं पे भी होता है ना, मतलब कुछ भी अगर सामने आता, लाइक भाई अगर ऐसा होता है कि भाई अगर सड़क पे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो भाई लड़की मतलब डर जाती है, तो भाई तुमको वहाँ पे भाई पावरफुल दिखाना है कि तुम मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ चलो। वहाँ पे भी उसका हाथ पकड़ के भाई सामने तुम चलो, उसको साइड में लेके चलो, फिर देखो भाई। क्योंकि भाई लड़कियाँ जो होती है वो खुद बच्ची होती है, अगर भाई तुम खुद बच्चे बन गए उसके सामने, तो भाई मतलब दोनों चूतिया हो जाएंगे ना। लड़कियाँ भाई नेचर से ही बच्ची होती है, और भाई अगर तुमको भी बच्चा बनना है ना, तो भाई BTS आर्मी ज्वाइन कर लो। तो भाई अगर तुमको लड़की पटाना है ना भाई अच्छे से, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो भाई हमेशा मैन चूज करो, ना कि बच्चा। हमेशा भाई मैन बनो, मर्द बनो भाई, क्योंकि भाई बच्चों के बारे में तो भाई सबको पता होता है कि भाई बच्चे का केयर करो, तो भाई लड़की तुम्हारा केयर नहीं करेगी, क्योंकि भाई वो खुद बच्ची है बेचारी। तो भाई तुम यहाँ पे मैन बनना, ना कि बच्चा, समझे। तो भाई लड़कियों का नेक्स्ट वीकनेस ये है कि भाई तुम जब भी भाई उनसे बात करो ना, तो भाई हमेशा एक ट्रस्ट गेन करो उसका, भाई एक ट्रस्ट बना लो उससे कि भाई मतलब तुम जो भी बोल दो ना, अगर भाई तुम बोलो 2+2=10, तो भाई लड़की बोलेगी ठीक है भाई। इतना अगर ट्रस्ट गेन कर दो ना लड़कियों को अपने बारे में, अगर भाई तुम किसी भी लड़की को पटाने जा रहे हो ना, तो भाई लड़की को अपना ट्रस्ट दो और भाई उससे ट्रस्ट गेन करो। तो भाई अब तुम लोग बोलोगे कि भाई इससे क्या होगा, तो भाई इससे ये होगा कि भाई अगर लड़की सोच रही है ना तुमको धोखा देने के लिए, और भाई तुम इतना ज़्यादा उसका ट्रस्ट गेन कर चुके हो, भाई तुम जो भी बोलते हो लड़की वो करती है, तो भाई तुम किसी भी लड़की को भाई अपने प्यार में ऐसे पागल कर सकते हो। और भाई ये जो वीकनेस है ना, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, क्योंकि भाई अगर एक बार तुम देखो, ये वीकनेस लड़कियों में होती नहीं है, पर तुम अगर भाई ट्रस्ट अपना गेन करा सकते हो लड़कियों को, तो भाई तुम यहाँ पे उसका एक वीकनेस बना रहे हो अपने लिए। तो भाई अगर तुम अपना वीकनेस उसको बना लेते हो, तो भाई तुम तो डेड हो। अगर भाई वो तुमको अपना वीकनेस बना लेना, तो भाई वहाँ पे तुम राजा हो। तो भाई तुमको क्या करना है, तुमको ये करना है कि भाई उसका खूब ज़्यादा ट्रस्ट गेन करो कि भाई वो छोड़ने के बारे में ही ना सोच पाए, इतना ज़्यादा ट्रस्ट गेन करो उसका। और भाई जो लड़कियों का नेक्स्ट वीकनेस होता है ना, वो होता है कि भाई अगर तुम उससे आई कॉन्टेक्ट अच्छा बनाते हो, तो भाई तुम आई कॉन्टेक्ट के दौरान ही उसको पटा सकते हो, उसको तुम सेड्यूस कर सकते हो। और भाई पता नहीं तुम क्या क्या कर सकते हो, अगर भाई तुमको अच्छे से आई कॉन्टेक्ट करने आए, तो भाई नीचे एक वीडियो दे रहे हैं, उसको जाके देख लेना, तो भाई तुम सीख जाओगे कि भाई आई कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं। तो भाई अगर तुम एक बार आई कॉन्टेक्ट करना सीख गए ना, तो भाई वो लड़कियों की बहुत ही बड़ी वीकनेस है। क्योंकि भाई देखो, तुम किसी भी लड़की को पटाने जा रहे हो, पहले क्या होगा, जाके तुम बात नहीं करोगे ना, जाके तुम उसका हाथ नहीं पकड़ लोगे, जाके डायरेक्ट प्रपोज नहीं ना करोगे, क्या करोगे, आई कांटेक्ट करोगे। सबसे पहले आई कांटेक्ट करके भाई तुम दुनिया की किसी भी लड़की को पटा सकते हो। तो जाओ वो वीडियो देखो भाई, तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भाई आई कांटेक्ट करना सीखो। तो भाई नेक्स्ट वीकनेस ये है कि भाई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सबको पसंद होता है। तो भाई अगर तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो ना, तो भाई लड़कियों को तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगे, क्योंकि भाई लड़कियों का ये वीकनेस बहुत ही ज़्यादा देखा गया, और भाई बहुत ही मतलब थियरी में ऐसा है कि भाई उनको रिस्पॉन्सिबल बंदा पसंद है।
तो भाई तुम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी भी चीज़ का, लाइक अगर कैफ़े में जाते हो अगर तुम बिल पे करते हो, या मतलब अगर ऐसा कुछ भी करते हो, लाइक अगर कुछ भी अगर भाई उस चीज़ का तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो, तो भाई लड़की के तुम फेवरेट हो, नहीं तो छांट बराबर। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर भाई वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ब्रो।